ये सब क्या नाटक है? नहीं नाटक नहीं है कावेरी जी, बिचारे की बदकिस्मती है। टमाटर लाख रुपए किलो में कहीं नहीं मिलेगी। देखा क्या सोच कर आए थे और क्या सीन देखने मिला। वो क्या है कि कुसुम इनकी छोटी बहन है, बरसों से हम उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। और जब पोपटलाल ने फोन पर ये बताया कि एक कुंवारे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है एक बार पोपटलाल को देख लेते हैं, इनसे मिल लेते हैं, और फिर सब ठीक लगा तो मेरी बहन कुसुम के रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मेरा रिश्ता न हो गया पर मेरे ना है। मैं सच में घनचक्कर नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, ना ही मेरा स्क्रू ढीला है। दरअसल मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पोपटलाल। देखिए ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। मुझे पोपटलाल से शादी नहीं करनी। अरे क्यों क्यों कुसुम जी, अभी तो आपने हाथ कहा था कि अगर मैं घनचक्कर नहीं होता तो शायद आप मुझसे शादी कर लेती। तो फिर आप क्यों मना कर रही है? वजह क्या है इनकार की? आप लोगों का झूठ। हमें सब कुछ मंजूर है लेकिन झूठ मंजूर नहीं है। और यहाँ झूठ सिर्फ पोपटलाल ने नहीं बोला है बल्कि पूरी सोसाइटी ने, आप सबने बोला है। कुंदन जी माना कि हम सब ने झूठ बोला, लेकिन हमने झूठ पोपटलाल को बचाने के लिए बोला था। हाँ। और चलो मैंने झूठ, आखिर में झूठ होता है, लेकिन किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते है ना तो भगवान भी माफ कर देते हैं। सभी अपने आप को बचाने के लिए ही झूठ बोलते हैं। पर हम आपको बाद में सच बताने ही वाले थे। हो सकता है कि आप सच्चे हो और बाद में सच बताने वाले हो। हाँ। लेकिन हमारे लिए झूठ झूठ है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। चलो इसे कहते हैं मुंह तक आया नहीं वाला हाथ से चला गया। लगता है बेचारे पोपट भाई का भाग्य उनके साथ खेल खेल रहा है। नहीं तो आज ये रिश्ता पक्का ही हो जाता। फाइनली पोपटलाल भाई की शादी हो जाती। अगर ये शादी तय हो जाती तो आज गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल भाई की शादी की शहनाइयां बजती। पर अपना पोपो है कितना? अरे भाई, अरे मत बुलाओ उसे, उसका दिल टूट गया है थोड़ी, वो अपने बीच थोड़ी रोएगा, बेचारा घर गया होगा, रो रहा होगा। ये लोग वापस क्यों आ रहे? पत्रकार देखिए मैं समाज का प्रतिष्ठित नागरिक हूँ। आप समझ की बात का समझ। अरे 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 आप सुनिए मेरी बात को तो सुनिए आप। अरे मुझे सच में गोल्डन क्रो अवार्ड भी मिला है, आप सुनिए मेरी बात को सुनिए। अरे अरे अपना खुद का फ्लैट है 2 BHK, एक मीटिंग कर लेते हैं। कुसुम जी, कुसुम जी, अरे आप समझाइए इनको। अरे सुनिए, हाँ सुनिए, आप मेरा घर देख लीजिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, अरे अरे मीटिंग, अरे एक बार मीटिंग कर लीजिए। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, अरे पप्पू तू ठीक है ना? अरे हौसला रख, सब चंगा हो जाएगा। पप्पू, अरे चाची जी,
पोपटलाल जाने दो भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। उन्हीं को कौन टाल सकता है, परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग किसे दोष दे। तुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ तेरा दोष है। तेरा? तेरी वजह से आज मेरी शादी नहीं हुई। पोपट भौजी ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूं, मेरे साथ भाग्य ने नहीं भेड़ा ने खेल खेला। मैंने? हाँ तूने। कावेरी जी और उसका परिवार कुसुम के लिए मुझे देखने आ रहे थे, लेकिन तूने बिना सोचे समझे क्या कहा, मुझसे लड़ने आ रहे। हम सभी ने तेरी बात मान ली और मुझे पागल होने का नाटक करना पड़ा। और जो रिश्ता सामने से चलकर मेरे लिए आया था वो तेरी वजह से कैंसिल हो गया, सिर्फ तेरी वजह से। ए डिब्बे, ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है तू? ये रिश्ता टूटने के गम में सच में घन चक्कर हो गए? नहीं नहीं चाचा जी, पोपटलाल बिल्कुल सच कह रहा है। घन चक्कर ये नहीं, मैं हूं, मैंने बेवकूफी की। मैंने मान लिया कि वो लोग पोपटलाल से झगड़ा करने आ रहे हैं। पोपटलाल तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, हमारे साथ भाग्य ने नहीं मैंने खेल खेला। जो मुसीबत में साथ देता है उसे दोस्त कहते हैं, लेकिन पोपटलाल तुम्हारे लिए तुम्हारा ये दोस्त ही मुसीबत बन गया। सच में मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने के लायक नहीं। जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेरी गलती की दिल से तुझसे माफी मांगता हूं। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज भिड़े मास्टर, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरे पोपटलाल तो उसका रिश्ता नहीं हो पाया इसलिए सदमे में है। तुम ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भिंडी मास्टर, तूने कोई बेवकूफी नहीं की है और ना ही तूने कोई गलती की है। इस डिब्बे ने उस कावेरी से जिस तरह से फोन पे बात की और उसके बाद उसके पति का फोन आया और उसने कहा कि पोपटलाल को रोक के रखना, हम लोग वहां आ रहे, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने आ रहे। सही बात है। पोपू मैंने एक गल दस, फोन अगर पिड़ू की जगह तेरे को आया होता तो तू क्या समझता यार? पोपट भाई बुरा मत लगाना, लेकिन खरे खर तो आपको भीड़े भाई का आभार मानना चाहिए। उन्होंने आपके साथ दोस्ती निभाने के लिए पूरे गोकुलधाम वासियों को यहाँ इकट्ठा किया, आपके बारे में बताया ताकि कोई रास्ता निकले। बराबर। आपको बचाने के लिए वो सीख सके, फिर भी उन्होंने झूठ बोला। बापूजी जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, उन्होंने झूठ बोला और हमारा पूरा गोकुलधाम ये झूठे नाटक में शामिल हुआ। किसके लिए पोपट भाई? आपके भले के लिए ना? हाँ पोपट भाई, अगर भेड़े भाई चाहते तो आपको ये कह सकते थे कि कावेरी का पति यहाँ पे सबके साथ आ रहा है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा ना। और अगर भेड़े भाई चाहते तो वो आराम से इस मामले से निकल सकते थे। और पोपट भाई, वो भेड़े भाई से फोन छीनकर आपने ही कावेरी बहन से बात की थी ना, अभी आप बताइए इसमें बेचारे भेड़े भाई की क्या गलती? हाँ बराबर। पोपट भाई आपको भेड़े भाई का आभार मानना चाहिए, उसकी बजाय आप उनको ताने दे रहे हैं। आप ही बताइए क्या ये सही है? ये तो भेड़े भाई की अच्छाई है कि वो आपसे माफी भी मांग रहे हैं और आप अपने दोस्त को साबासी देने के बदले उनको कड़वे बोल बोल रहे हैं। ये सही बात नहीं है पोपटलाल। सॉरी भिड़े, मैं सच में पागल हूँ। शादी की बात आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तो अपनी जगह बिल्कुल सच्चा है, मैं तेरी दोस्ती पूरी ईमानदारी के साथ निभाई दोस्त। मैं ही समझ नहीं पाया और तुझे कड़वे बोल बोल दी, मुझे माफ कर दे भाई।
पकलेर, दोस्ती में गलती करने पर माफी नहीं होती। और सीधे थप्पड़ होते हैं। तो सोड़ी दे दू? और दे दे यार। अरे थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। अरे सोड़ी, अपना गोकुलधाम कमाल नहीं, पानी जैसा है। पानी पे लकड़ी मारो तो वो एक पल के लिए ही जुदा होता है, लेकिन बाद में तो फिर एक हो ही जाता है। सही बात है। जैसे पानी कभी जुदा नहीं होता, वैसे गोकुलधाम वाले भी कभी जुदा नहीं होते। सही बात है। हम सब एक है। माधवी भाभी, लगता है आपने अभी भी मुझे माफ नहीं किया। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांगता हूँ। प्लीज अब दुखी मत होइए। पोपट भाऊ जी, अब सॉरी मत कहिए। और मैं आपकी वजह से नहीं, आपके लिए दुखी हूँ। मतलब वजह कुछ भी हो, लेकिन आपकी शादी तय होते होते रह गई। सामने से रिश्ता आया था, अगर ये हो जाता तो कितना अच्छा होता। अरे माधवी भाभी, आप भी कमाल है। मैं, मेरे साथ ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। रिश्ते आए, जुड़े और फिर टूट गए। अब तो मुझे आदत सी हो गई है। ये पल तो पल का दुख होता है तो फिर मैं भूल जाता हूँ। देखिए भूल गया। वो किनारे पे आके डूबना, ये तो अपने पप्पू के लिए आम हो गया। भाई सही बात है, पोपटलाल के लिए तो रिश्ते पेशेंट की तरह है, एक गया और दूसरा आया। लेकिन आती भाई, अब कोई फिक्स पेशेंट मिल जाए तो अच्छा है। सही बात है। अरे मिलेगा, जल्दी मिलेगा। वैसे पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि आपके जीवन में कोई इच्छा जल्दी से पूरी नहीं होती ना, तो उसका मतलब समझना कि भगवान आपकी वो इच्छा बहुत ही अच्छी तरह से पूरी करना चाहते हैं। हाँ, सबरे का फल मीठा होता है। हाँ। तो आपको बहुत ही प्यारी, गुणवान और सुंदर पत्नी मिलेगी ही। हाँ हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दया भाभी, अब तो मुझे कम प्यारी, कम गुणवान, कम सुंदर मिलेगी तो भी चलेगा, बस मिल जाए। क्या ये भी दिख रहा है? वीक है, लेकिन वीक क्यों लाई हो? आपके लिए। मैं आपको ऐसे लंबे घने बालों में देखना चाहती हूँ। आधी में वीक नहीं पहनने वाला। एक बार पहनिए ना, अगर आपको अच्छा लगा, सूट हुआ ना, तो आप दिवाली में पहनिए। ये होशियार लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, नए बाल नहीं। तो ठीक है, आपका कुछ अलग। अरे देवा, आज का दिन टेंशन भरा रहा। ये पोपटलाल का टेंशन खत्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन है ही, दिवाली। दिवाली में घर की साफ सफाई, सोसाइटी की साफ सफाई, ये एक में सेक्रेटरी कहां कहां देखेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे वरना आपके। आदमी टेंशन कैसे ना लूं, सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी हूं मैं। सोसाइटी के इतने सारे काम बाकी है, टेंशन तो होगा ही ना। आपको काम का टेंशन है और मुझे आपके बालों का। मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हो आज? क्या हुआ, दो दिन से मुझे सपना आ रहा है कि आपके ऐसे लंबे घने बाल हैं, जैसे सगाई के वक्त थे। क्या लगते थे आप, ऐसा ऐसा करके मुझे देखते थे आप, याद है? हाँ माधवी, बिल्कुल याद है। लेकिन वो हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, अभी आज के जमाने में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? एक मिनट। क्या कर रही हो माधवी? थम्बा एक मिनट। क्या ये? मुझे भी दिख रहा है वीक है, लेकिन वीक क्यों लाई हो? आपके लिए। मैं आपको ऐसे लंबे घने बालों में देखना चाहती हूँ। माधवी, मैं वीक नहीं पहनने वाला। एक बार पहनिए ना, अगर आपको अच्छा लगा, सूट हुआ ना, तो आप दिवाली में पहनिए। ये होशियार लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, नए बाल नहीं। तो ठीक है, आपका कुछ अलग। पहनिए ना, एक बार पहनिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आपको मैं कितने सालों बाद देखूंगी लंबे। अभी चेहरे पे पहना हूँ, कैसे उधर मुंह कीजिए ना।
लेकिन क्या ये जिद आइकन आइकन मस्त वाइट क्या दिख रहे हैं आप क्या दिख रहे हैं मस्त ये अच्छा दिख रहा हूँ मैं हाँ वो इतनी हैंडसम मस्त लग रहे हैं आप एक बार ऐसा कीजिए ना कैसे वो ऐसे ऐसे पहले करते थे जब बाल लंबे थे आपके तभी निकलना ना तो नहीं नहीं निकलेगा आप रखिए ना उसको कितना अच्छा लग रहा है आप थोड़ा संभाल के कीजिए ना ओरिजिनल बाल थोड़ी है ओके ठीक है ओके अरे पहनिए ना नहीं नहीं बस सोनू को भी दिखा सकते हैं पहनिए ना एक बार मुझे नहीं पहनना मतलब एक बार पहन लिया ना मैंने बहुत हो गया बस ऐसा क्या है सुनिए ना देखिए मैं क्या कहती हूँ आप प्लीज एक बार मतलब मेरी बात सुनिए ऐसा क्या मुझे कुछ नहीं सुनना है माधवी एक बार फिर से पहन लीजिए ना बस मेरे लिए माधवी तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मुझे लंबे बालों में देखने का तो अपने सगाई के या शादी के फोटो देख लो एक बार पहन लीजिए ना सोनू आएगी तो उसको भी देखने को मिलेंगे विग वाले बाबा विग वाले बाबा कैसा लग रहा है सुनने में मतलब सोनू को भी आप लंबे बालों में कैसे दिखते हो पहनिए ना प्लीज हाँ तो उसे भी वो सगाई वाले फोटो दिखा देना अब ये विग पुराण छोड़ो अभी मुझे बताओ कि सोनू कहाँ है कब से दिखी नहीं है मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है लेकिन मुझे पता है क्या तो पूछा क्यों अरे मेरा मतलब है कि वो जरूर टप्पू सेना के साथ घूमने गई होगी ये टप्पू सेना भी ना जैसे जैसे बड़ी हो गई है ना वैसे वैसे ज्यादा शरारती हो गई है ऐसा कुछ नहीं है तुम उनकी साइड बदलो मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो यही गई होगी आ जाएगी अरे लेकिन सोनू गई कहाँ है बाबा मैं यहाँ हूँ क्या हुआ कुछ काम था अगर कहीं नहीं तू कब से दिखी नहीं ना तो बाबा चिंता कर रहे थे सोनू तुम कहाँ गई थी बाबा एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर गई थी काम से बाहर गई थी या टप्पू सेना के साथ घूमने गई थी ये टप्पू सेना तो पूरा वेकेशन घूम फिर के अपना वेकेशन बर्बाद कर ही रही है साथ में तुम भी कर रही हो लेकिन बाबा मैं टप्पू सेना के साथ नहीं गई थी मैं तो अकेले गई थी क्या ऐकला टप्पू सेना के साथ वो नहीं गई थी सवाल ही पता नहीं होता माधवी अगर वो अकेली जाती है ना कभी भी तो हमें बता के जाती है अगर हमें बता के नहीं गई इसका मतलब वो टप्पू सेना के साथ ही गई है टप्पू हमारी उम्र 100 साल की होने वाली है वीरांगल हमें को याद कर रहे थे है ना वीरांगल करेक्ट वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा अगो मुझे तो पता सॉरी आई वो मैं कल सुबह ही बताऊंगी और बाबा देखना इस बार मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करके दिखाऊंगी अच्छा मतलब कल सुबह ही तुम सरप्राइज बताओगी ना अच्छा मान लो सुबह हो गई तो आप भी समझ लो कि सरप्राइज पता चल गई इबो वैसे भीड़ा अंकल आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे सोनू तुम लोग के साथ थी ना नहीं भीड़ा अंकल सोनू हमारे साथ नहीं थी हम लोग तो घर से आ रहे हाँ मैंने भी बाबा को वही बोला पर वो मान ही नहीं रहे ओ अच्छा अच्छा इसीलिए आप हमें याद कर रहे थे बुढ़िया जाने दीजिए ना सोनू तू इनके साथ नहीं थी तो कहाँ थी और ये क्या है वो मैं शॉपिंग करने गई थी वाह कितना खर्चा किया क्या 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 लाया क्या वो मैं आपको नहीं बता सकती अरे सोनू क्यों वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा अगो मुझे तो पता सॉरी आई वो मैं कल सुबह ही बताऊंगी और बाबा देखना इस बार मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करके दिखाऊंगी अच्छा मतलब कल सुबह ही तुम सरप्राइज बताओगी ना अच्छा मान लो सुबह हो गई तो आप भी समझ लो कि सरप्राइज पता चल गई इबो बीड़ा अंकल सोनू आपको नहीं बताएगी सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है वो हमें बताएगी और सोनू हमें बताएगी वो हम आपको नहीं बताएंगे चल सोनू बाहर जाके बता हाँ चल नहीं फ्रेंड्स बीड़ा अंकल सोनू हमें यही बताना चाहती है आप रूम में जाएंगे प्लीज नहीं मैं तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगी ये तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज है अच्छा चल सरप्राइज मत बता पर बैडमिंटन खेलने तो चल हाँ चल चल नहीं सॉरी एक्चुअली मुझे कल सुबह जल्दी उठ के सरप्राइज की तैयारी करनी है गुड नाइट आई बाबा अरे ये सोनू अगर वीडा अंकल अभी आप ही चलो कहाँ हमारे साथ बैडमिंटन खेलने आपके पास रैकेट है ना मच्छर मारने वाली चलेगी छोड़ छोड़ गोली वीडा अंकल हारने से डर गए क्या बोला मधु वैसे क्या होगा सरप्राइज सोनू ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया वो ना क्या पता क्या होगा सरप्राइज क्या पता हम लोगों ने तो कितनी बार पूछा लेकिन बता ही नहीं रही थी कल सुबह की राह देखते और क्या आयस पढ़ा कि आज का दिन खत्म होते तो भी टेंशन लेके गया ये सरप्राइज क्या अभी ये टेंशन है टेंशन 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 भाई अभी पोपटलाल की शादी के टेंशन से भिड़े बाहर आ रही था कि सोनू ने सरप्राइज का नया टेंशन दे दिया
इस नई टेंशन की वजह से भिड़े के सर के बच्चे को से बाल भी कहीं बाय बाय ना कह दे। अब क्या होगा ये सरप्राइज? वैसे सरप्राइज शब्द कितना रोचक है ना, इसमें है थोड़ा सा आनंद, थोड़ा राज, थोड़ी उत्सुकता और ढेर सारा मजा। लेकिन अब ये सरप्राइज क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा। अपनी वेकेशन का सदुपयोग करने के लिए सोनू क्या सरप्राइज देने वाली है और इस सरप्राइज का भिड़े की जिंदगी पे क्या असर होगा? भाई ये अगर बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? लेकिन इतना जरूर तय है कि ये सरप्राइज आपको देगा ढेर सारा मजा और खूब सारी खुशी। और हाँ, वैसे आपके लिए एक छोटी सी बात है जो मैं बता देता हूँ, जैसे मैं सरप्राइज नहीं रखूंगा, कि इस सरप्राइज में आप भी घर बैठे कुछ सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे? ये सरप्राइज है, इसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक 8:30 बजे तक। देखते रहिए, हंसते रहिए और भूलिए मत ढेर सारा सरप्राइज। देखते रहिए, हंसते रहिए। कल से मैं अपने घर में दिवाली की साफ सफाई का शुभारंभ कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि साफ सफाई कार्यक्रम का उद्घाटन तुम मेरा ड्राइंग रूम साफ करके करो। अच्छा अच्छा, मतलब मैं ड्राइंग रूम साफ करूंगा तो बाकी के कमरे ये लोग साफ करेंगे? हाँ, जिसको जो कमरा पसंद आया चुन ले। ठीक है, तो मैं तुम्हारी तिजोरी साफ करूंगा। जेठालाल, तुम भी क्या बबूल के पेड़ पे आम ढूंढ रहे हो भाई। जिसके फोन में बैलेंस नहीं होता उसके तिजोरी में क्या होगा, क्या साफ करोगे? मेहता साहब, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके फोन में बैलेंस भले ना हो लेकिन तिजोरी में फुल बैलेंस होता है।